नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2020। और केवल आज नहीं फ्रेंड्स, कुछ दिन आपसे चर्चा करेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि जैसा आपको जानकारी है उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम की और यूपीपीसीएस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की। अभी तक तो डाउट थे कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अब जबकि हम देख रहे हैं कि नीट और जेई वगैरह के एग्ज़ाम आईआईटी जेई के हो चुके हैं, नीट के होने वाले हैं, यूपीएससी ने भी एडमिट कार्ड इशू कर दिए हैं, तो अब कंफर्म है कि 4 अक्टूबर 2020 को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो जाएगा, और फिर तुरंत बाद अगले हफ्ते 11 अक्टूबर 2020 को यूपीपीसीएस प्री का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा है। मुझे लगा क्यों नहीं मैं आपसे प्रीलिम्स की तैयारी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करूं, ऐसी बातें जो इस बीच में अब आपको ध्यान रखना आवश्यक है। तो कुछ मैं आपको छोटे छोटे से लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टिप्स दूंगा कि इस 20-25 दिन का जो भी समय है इसका आप बेहतर ढंग से उपयोग कर सकें। ऐसी गलतियां जो अक्सर दोहराई जाती हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उस तरह की गलतियां आप नहीं करें। तो एक तरह से ये 5-6 वीडियोस की एक सीरीज हम लोग आपसे बात करेंगे, दो दो तीन तीन दिन में एक एक इशू पे हम चर्चा करेंगे आपसे। बहुत महत्वपूर्ण इशू होंगे आपके लिए, बहुत फायदेमंद, बहुत उपयोगी मुद्दे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपसे कि अगर यूपीएससी की बात करें, 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, आज से देखें हम 9 सितंबर से 4 अक्टूबर, तो लगभग 24 दिन का समय है, और तब उसके बाद फिर 6 दिन का समय होगा यूपीपीसीएस का एग्जाम देने के लिए। लगभग लोग जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देते ही हैं, तो ज्यादातर लोग कॉमन होंगे। इनफैक्ट कई लोग आप में से ऐसे भी हैं जिन्हें यूपीएससी नहीं देना है, यूपी देना है, या कुछ इसी तरह से ऐसे भी हो सकते हैं जो यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी में एज पूरी नहीं हुई थी या कोई और फैक्टर तो नहीं दे रहे, मैक्सिमम लेकिन कॉमन होते हैं। तो वैसी स्थिति में 24 दिन का समय है यूपीएससी के लिए, कैसे इस 24 दिन को सही ढंग से यूटिलाइज करें, टाइम मैनेजमेंट क्या हो, आज मैं आपसे इस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन कैसे, फ्रेंड्स काफी डिटेल चर्चाएं करता रहा हूं मैं टाइम मैनेजमेंट या समय प्रबंधन के ऊपर। बहुत पॉपुलर क्लास है मेरी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। फिलहाल मैं बहुत डिटेल नहीं, संक्षेप में आपको आइडिया दूंगा कि कैसे आप इस 24 दिन को सही ढंग से यूटिलाइज करें। 24 दिन का समय है जो सेक्शन आप पढ़ते हैं प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स और प्लस एक लास्ट कहें तो मिसलेनियस। तो कुल 7 सेक्शन जो जीएस प्रीलिम्स में आप पढ़ते हैं,
हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, करंट अफेयर्स है, मिसलेनियस। मिसलेनियस में जैसे सिलेबस में आप देखेंगे अधिकारों संबंधी मुद्दे हैं, इश्यूज रिलेटेड टू राइट्स, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति है, पंचायती राज है। पंचायती राज यद्यपि पॉलिटी का टॉपिक है लेकिन प्रीलिम्स के सिलेबस में अलग से लिखा है, तो मिसलेनियस। इस तरह के इशूज, सरकारी योजनाएं, कार्यक्रम वगैरह, तो कुल ये 7 टॉपिक। यूपीएससी में भी वही और यूपीपीसीएस में भी वही। 24 दिन का समय है, तो अब मेरे अनुसार जो सलाह है कि 3 3 दिन आप डिवाइड कर दीजिए, 3 दिन हिस्ट्री, उसी तरह से सबके लिए 3 3 दिन, 3 दिन ज्योग्राफी, 3 दिन पॉलिटी, 3 दिन साइंस, 3 दिन इकोनॉमी, 3 दिन करेंट अफेयर्स और 3 दिन मिसलेनियस। तो 24 में से 21 दिन यहाँ 60 टॉपिक के लिए, लास्ट के बचे हुए 2 से 3 दिन इन 21 दिनों का जो फीडबैक होगा, जो कुछ कमियां पता लगेंगी उनको ठीक करने के, उनको सुधारने के, एक तरह से कहा जाए कि फाइनल टच देने के वो 3 दिन, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए भी वो 3 दिन। तो इस तरह से पूरे 24 दिन का एक आप शेड्यूल बना लें, ऑन एन एवरेज 3 3 दिन का समय एक टॉपिक के, एक सेक्शन के लिए आप रख लें, लास्ट के 3 दिन फाइनल टच, 21 दिन का जो अनुभव है उसके आधार पे कुछ सुधार संशोधन और थोड़ा सा रिलैक्स भी। रिलैक्स होना इसलिए ज़रूरी है कि ताकि जो ह्यूमन एरर होते हैं एग्ज़ाम में वो ना हो। तो ऐसा भी नहीं करना है कि रात भर पढ़ाओ, सुबह जाके एग्ज़ाम दे आए, जब एग्ज़ाम देने गए तो पता लगा कि नींद आ रही है। तो रिलैक्स भी। अब जो ये 3 3 दिन है, कुल 24 दिन है, आज जो दौर है मुझे लगता है कि पर डे कम से कम 15 16 घंटे की पढ़ाई होनी चाहिए। तो 24 × 16 कर दें, 24 डेज हैं, 16 आवर्स पर डे, तो देख लें कि लगभग 400 घंटे या जितना भी मैथमेटिकल आप कर लें कैलकुलेशन, लगभग 400 घंटे। और ये 400 घंटे बहुत है। ये 400 घंटे अब आपके लिए डिसाइडिंग होने जा रहे हैं कि आप केवल प्रीलिम्स देंगे या पास भी होंगे। तो अभी भी आपके पास 400 घंटे हैं। 24 घंटे में से 6 घंटे सोएंगे, 2 घंटे बाकी अपने रूटीन काम करेंगे, 16 घंटे का समय आपको निकालना चाहिए, निकाल सकते हैं। इनफैक्ट जब मैंने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया तो मैं अपना ही अनुभव बताऊं कि मैं भी इतना पढ़ता था, सोते तो अभी भी 6 घंटे ही हो, पता नहीं उतना भी सोते हैं कि नहीं। और स्टूडेंट लाइफ में जब मैंने प्रीलिम्स दिए हैं तो एटलीस्ट एग्ज़ाम के जो लास्ट के महीने 2 महीने होते हैं, हम तो अभी केवल 24 दिन, पिछले 1 महीने से भी आपको 16 घंटे पढ़ना चाहिए था, लेकिन अब जो भी हुआ आज से बात करें तो अभी भी आपको
अब 16 घंटे पढ़ना है, तो मतलब टोटल 384 आवर्स हो रहे हैं। एक एक सेक्शन के लिए 48 आवर्स हैं, 3 दिन हिस्ट्री पढ़ेंगे, मतलब लगभग 16 थी 48 घंटे। उसी तरह से ज्योग्राफी, पॉलिटी, और ये इतना समय है कि इजीली आप इन सब्जेक्ट, इन सेक्शंस को सही तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अब तक जो भी आपने पढ़ा है, वास्तव में अब ये रिवीजन का समय है, 3-3 दिन। इन 3-3 दिन में 16-16 घंटे में भी केवल जीएस नहीं है, साथ में आपको सीसेट की तैयारी भी करनी है। तो सीसेट के भी जितने सेक्शन हैं, मैथ, रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल, कंप्रीहेंशन वगैरह, उसी तरह से आप उनको डिवाइड कर लीजिए। सीसेट के सेक्शन मैं अलग से चर्चा करूंगा किसी दिन आपसे, सीसेट के ऊपर भी। अभी चूंकि टाइम मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो दोनों चीजें कि 24 दिन जीएस प्लस सीसेट पर डे, अब हिस्ट्री का 3 दिन है, 16 घंटे पर डे, तो इसमें आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है और सीसेट का भी, इसी तरह से कोई एक सेक्शन ले लीजिए, उनके बीच में तालमेल बिठाइए। 8 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 8 घंटा मैथ पढ़ेंगे, या 10 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे, 6 घंटा मैथ पढ़ेंगे, ये आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप में ऐसे हैं कि जिन्हें मैथ रीजनिंग पढ़ने की बहुत ज़रूरत नहीं, तो वो 2 घंटा ही पढ़ेंगे, 4 घंटा पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। भाई साइंस बैकग्राउंड के आप इंजीनियर हैं, मैथ से कुछ और आपने बीएससी एमएससी किया है, आपको नहीं लग रही जरूरत, तो आप हिस्ट्री ही पढ़ेंगे 16 घंटे। सोशल साइंस बैकग्राउंड के आपका मैथ रीजनिंग भी आपको करना है, तो उसी रेशियो में आप उसके लिए टाइम डिसाइड कर लीजिए। ये पर्सन टू पर्सन डिफर हो जाएगा कि कौन सी सेट में कितना समय देगा, कौन जीएस में। हाँ, लेकिन पर डे 16 घंटे अब पढ़ना है अगले 24 दिन तक, जिसे कहा जाता है कि सिर के बल अब बैठ जाइए, अब सब कुछ भूल जाइए, दुनिया की बाकी चीजें, बस केवल और केवल पढ़ाई, उस मोड में आ जाइए, स्टडी मोड, पढ़ाई वाला मोड, जितना मैक्सिमम मेहनत कर सकते हैं इस 24 दिन में करना है, क्योंकि यही अब 24 दिन 384 आवर्स आपके लिए डिसाइडिंग होने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब काम चोरी, मक्कारी, टाइम पास, लेट लतीफ़ी, ये कुछ नहीं। मिलना जुलना, दोस्ती यारी कोरोना में वैसे भी नहीं हो रहा है, और अब अगले 24 दिन तक ये सारी चीज़ें स्टॉप, केवल और केवल पढ़ाई, बस पढ़ाई, जीवन चलाने के लिए 2 टाइम 3 टाइम का खाना पीना और 5 घंटा 6 घंटा सोना, बस अब लाइफ यही है आपकी अगले 24 दिन। अगर सही ढंग से ये यूज हो जाएगा, तो जो एक बहुत बड़ी चुनौती है आज के समय में, प्रीलिम्स पास करना, पार कर जाएंगे, और नहीं तो फिर अगले साल 2021 24 जून की जो संभावित डेट आई है प्रीलिम्स की, तो फिर उसके लिए लगना पड़ जाएगा। फ्रेंड्स, आज रोक रहा हूँ यहीं, टाइम मैनेजमेंट पे और चर्चाएं करूँगा, बायोलॉजिकल क्लॉक, जिगारने के इफेक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो अगली क्लास में, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तो कुछ और इशूज पे आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। धन्यवाद दोस्तों।